आज की वीडियो में मैं आप सबको अगले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में आने वाली 15 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं इन कार्स के प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च डेट और हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में बताऊँगा। बाकी अगर आप लोग चाहो मैं इनमें से किसी एक कार के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पे है सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस। ये एक मिड साइज SUV रहने वाली है और इसका प्राइस हमें 8 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। C3 एयरक्रॉस में हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 110 हॉर्स पावर के साथ 190 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT गियरबॉक्स दिया जाएगा। इस गाड़ी का एक्सटीरियर सिट्रॉन के सिग्नेचर डिजाइन पर बनाया गया है और इंटीरियर में हमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सैटेलाइट नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पैनोरामिक सनरूफ जैसे कई सारे फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। C3 एयरक्रॉस की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है। नंबर 2 पे है होंडा एलिवेट। होंडा एलिवेट को ऑफिशियली टीज करा गया है। इस गाड़ी का प्राइस हमें 10 लाख से लेके 17 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। एलिवेट के अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन जो कि 119 BHP की पावर और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। दूसरा 1.5 लीटर 3 सिलेंडर एटकिंसन साइकिल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होंडा की EHEV टेक्नोलॉजी के साथ में। ये हाइब्रिड इंजन हमें 24 से लेके 26 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल, CVT और ECVT गियरबॉक्स दिया जाएगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में। होंडा एलिवेट का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम रहने वाला है। इंटीरियर में हमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट और एडास जैसे सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे। होंडा एलिवेट को 6 जून को अनवील करा जाएगा और इस गाड़ी की इंडिया में लॉन्च डेट जुलाई से लेके अगस्त तक की रहने वाली है। नंबर 3 पे है किया सेल्टॉस का फेसलिफ्ट। सेल्टॉस फेसलिफ्ट को दोबारा से टेस्टिंग करते हुए स्पाई शॉट किया गया है। इस गाड़ी का प्राइस हमें 10 लाख से लेके 19 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। फेसलिफ्ट के साथ सेल्टॉस के अंदर हमें नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 158 BHP की पावर और 253 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। पुराना 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन भी कंटिन्यू करा जाएगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें 6 स्पीड मैनुअल, IVT, 6 स्पीड AT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में। फेसलिफ्ट के साथ इस गाड़ी के एक्सटीरियर में काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स रहेंगे। अब सेल्टॉस और भी ज़्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में आएगी। इंटीरियर में हमें नया केबिन और कई सारे नए फीचर्स दिए जाएंगे जैसे कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और पैनोरामिक सनरूफ। सेल्टॉस फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 4 पे है MG एस्टर का फेसलिफ्ट। एस्टर फेसलिफ्ट का प्राइस हमें 10 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। फेसलिफ्ट के साथ इस गाड़ी के एक्सटीरियर को रीडिज़ाइन करा जाएगा। एस्टर के अंदर हमें नए डिज़ाइन के साथ में लाइटिंग सेटअप, एलॉय व्हील्स, ग्रिल और बम्पर्स दिए जाएंगे। इंटीरियर में भी हमें नए डिज़ाइन के साथ में अपॉल्स्ट्री देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इंटीरियर फीचर्स सिमिलर ही रहने वाले हैं। एस्टर के अंदर आने वाले इंजन्स को भी कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। MG एस्टर फेसलिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 5 पे है ह्यूंडई एक्स्टर। ह्यूंडई एक्स्टर का प्राइस हमें 6 लाख से लेके 12 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 83 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। दूसरा 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 118 BHP की पावर और 172 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल, AMT और CVT गियरबॉक्स दिया जाएगा। ह्यूंडई एक्स्टर का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है। इंटीरियर में हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग जैसे कई सारे लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे। ह्यूंडई एक्स्टर कॉम्पीट करेगी टाटा पंच और सिट्रॉन C3 जैसी कार से। वहीं इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 6 पे है रेनो अरकाना। रेनो अरकाना को भी इंडियन रोड्स पे कई बार स्पाई शॉट किया गया है। इस गाड़ी का प्राइस हमें 10 लाख 50,000 ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा।
ये एक मिड साइज कूप स्टाइल एसयूवी रहेगी और इसके अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 1.3 लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन डुअल मोटर सेटअप के साथ में। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल सीवीटी और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया जाएगा स्टीयरिंग माउंटेड पैडल शिफ्टर्स के साथ में। इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और एरोडायनेमिक रहने वाला है। इंटीरियर में भी हमें सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन या फिर वेंटिलेटेड सीट्स। रेनो अर्काना की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी एंगेज। एंगेज का प्राइस हमें 17 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 174 पीएस की पावर और 205 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। इस इंजन के साथ हमें सीवीटी गियरबॉक्स दिया जाएगा। दूसरा 2 लीटर 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि 186 पीएस की पावर और 206 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। इस इंजन के साथ हमें ईसीवीटी गियरबॉक्स दिया जाएगा। एंगेज के अंदर मैनुअल गियरबॉक्स नहीं रहने वाला। ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार रहेगी और इसको TNGA-C प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा। इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड रहने वाला है। इंटीरियर में हमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360 डिग्री कैमराज, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमन फंक्शन के साथ में 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट, डुअल सनरूफ जैसे काफ़ी प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। एंगेज इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी इनोवा हाईक्रॉस और किया कार्निवल जैसी कार से। वहीं इसकी इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 8 पे है किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज एक सी सेगमेंट एसयूवी रहने वाली है जिसका प्राइस हमें 25 लाख के आसपास का देखने के लिए मिलेगा। स्पोर्टेज के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आएगा। दूसरा 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ में आएगा। किया स्पोर्टेज के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी रहने वाला है। इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डिजाइन के साथ में आएगा। इंटीरियर में हमें सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे जैसे कि सैटेलाइट नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स या फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। किया स्पोर्टेज की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 9 पे है टाटा पंच सीएनजी। पंच सीएनजी को 2023 के ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था। इस गाड़ी का प्राइस हमें 6,50,000 ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। पंच के अंदर हमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर डायना प्रो पेट्रोल इंजन के साथ में सीएनजी दी जाएगी। इस गाड़ी के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी रहेगी जिसमें दो सिलेंडर की प्लेसमेंट चेसी के अंदर रहने वाली है, यानी कि हमें पूरा बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा। सीएनजी की टोटल कैपेसिटी 60 किलोग्राम तक की रहेगी। वहीं टाटा पंच सीएनजी के ऊपर हमें 25 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की माइलेज देगी। इस गाड़ी के अंदर ICNG टेक्नोलॉजी भी रहने वाली है जिसमें पेट्रोल और CNG पे ऑटोमेटिक स्विचिंग के साथ हम डायरेक्ट CNG पे इंजन स्टार्ट भी कर सकते हैं। टाटा पंच CNG में हमें सनरूफ जैसे एडिशनल फीचर्स भी दिए जाएंगे। वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है। नंबर 10 पे है महिंद्रा थार 5 डोर। थार 5 डोर का प्राइस हमें 14 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा 2.2 लीटर डीजल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें 6 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दिया जाएगा। 5 डोर थार के अंदर 4x4 भी रहने वाला है। ये गाड़ी 4 मीटर से ऊपर की रहेगी, यानी कि ये एक मिड साइज SUV रहने वाली है। रियर पैसेंजर्स के लिए हमें कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। वहीं रियर पैसेंजर्स के लिए हमें AC वेंट्स और चार्जिंग पॉइंट्स भी ऑफर करे जाएंगे। थार 5 डोर की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। नंबर 11 पे है होंडा WRV न्यू मॉडल। इस गाड़ी का प्राइस हमें 8 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर हमें तीन इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर आईवीटेक पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर आईडीटेक डीजल इंजन और तीसरा 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें 6 स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दिया जाएगा। इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अपराइट रहने वाला है। इंटीरियर में भी हमें एडास जैसे कई सारे लेटेस्ट फीचर्स दिए जाएंगे। WRV कॉम्पीट करेगी ह्यूंडई वेन्यू, टाटा नेक्सोन, XUV 300 और ब्रेजा जैसी कार से। वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है।
नंबर 12 पे है जीप रेनेगेड। जीप रेनेगेड का प्राइस हमें 9 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। रेनेगेड के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और दूसरा 2 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाएगा। जीप रेनेगेड के अंदर 4x4 भी रहने वाला है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर को जीप के सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया है। इंटीरियर में हमें रिमूवेबल सनरूफ, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हीटेड स्टेयरिंग व्हील, हीटेड ORVM जैसे कई सारे फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। जीप रेनेगेड इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी महिंद्रा थार, फोर्स कुर्खा और जिमनी जैसी कार से। वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। नंबर 13 पे है ह्यूंडई पैलिसेड। ह्यूंडई पैलिसेड का प्राइस हमें 37 लाख से लेके 40 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर पैलिसेड में हमें 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑफर करा जाएगा, जो कि 194 BHP की पावर और 420 Nm का पीक टॉक निकालेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें मैनुअल, CVT और DCT जैसे गियरबॉक्स दिए जाएंगे। ह्यूंडई पैलिसेड के अंदर ऑल व्हील ड्राइव भी रहने वाला है। वहीं इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा बल्की और एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ में आएगा और इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी। इंटीरियर में हमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ट्रिपल जोन AC, डुअल सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमन फंक्शन जैसे कई सारे फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। ह्यूंडई पैलिसेड की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है। नंबर 14 पे है फ्रॉन्क CNG। फ्रॉन्क CNG का प्राइस हमें 9 लाख ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिलेगा। फ्रॉन्क्स के अंदर हमें डेल्टा और जीटा वेरिएंट के अंदर CNG दी जाएगी। वहीं इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में CNG को पेयर किया जाएगा। ये गाड़ी हमें CNG के ऊपर 78 PS की पावर और 98 Nm का पीक टॉक निकाल के देगी। CNG के साथ हमें सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा। सिलेंडर की प्लेसमेंट बूट के अंदर रहने वाली है। वहीं CNG लेवल इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही रहेगा। गाड़ी के अंदर ऑटो शट ऑफ वॉल्व भी रहने वाला है। एक्सटीरियर में CNG की बैजिंग रहेगी। बाकी सब कुछ फ्रॉन्क्स के अंदर सेम ही रहने वाला है। इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जून तक की रहने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट कार की तरफ। तो नंबर 15 पे है ह्यूंडई स्टारगेजर। ह्यूंडई स्टारगेजर एक 7 सीटर MPV कार रहने वाली है, जिसका प्राइस हमें 11 लाख से लेके 16 लाख तक का देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में हमें 6 स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दिया जाएगा। इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनेमिक रहने वाला है। इंटीरियर में भी हमें सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। ह्यूंडई स्टारगेजर की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जुलाई तक की रहने वाली है। तो गाइज, यही थी 15 अपकमिंग कार्स जो कि आने वाले 3 महीने में हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। इनमें से किस कार का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चाहो मैं किसी पर्टिकुलर कार या फिर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आप सबको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।